हेलो एंड वेलकम, मैं हूँ सागरिका और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। हम एक बार फिर हाजिर हैं बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज एंड हॉट गॉसिप्स लेकर, सो व्हाई वेट, लेट्स बिगिन विद टुडेज हेडलाइंस। म्यूजिक इंडस्ट्री के रॉयल्टी इश्यू में कैसे फंसे सलमान खान। करण जौहर ने अपने ड्रीम प्रोजेक्ट के लिए किन दो एक्टर्स को किया फाइनलाइज। रामलीला के बाद दीपिका पादुकोण संजय लीला बंसाली की किस फिल्म में आएंगी नजर। फिल्म बड़े भैया में कौन बनेगा सलमान खान का छोटा भाई, रिवील करेंगे एक खास स्टोरी में। और साथ ही दिखाएंगे जिमी शेरगिल का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज की शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर से। म्यूजिक इंडस्ट्री में चल रहे रॉयल्टी इशू के चक्कर में अब सलमान खान भी फंस गए हैं और सलमान खान की फिल्म को इस रॉयल्टी इशू की वजह से खामियाजा उठाना पड़ सकता है। आप भी देखिए कैसे। किसी को सलमान की हीरोइन बनने की है चाहत, तो कुछ को है सिर्फ सलमान के साथ नजर आने की तमन्ना। सलमान अपना भाई, सलमान लेकिन सलमान के फैन से अलग इंडस्ट्री में एक कलाकार ऐसा भी है जिसने सलमान खान के साथ काम करने से कर दिया है इनकार। और जूम आपको बताने जा रहा है कि इंडस्ट्री में आखिर कौन सा ऐसा आर्टिस्ट है जिसने दबंग सलमान के साथ काम करने का ऑफर ठुकरा दिया। आखिर किस वजह से उस आर्टिस्ट ने सलमान खान को किया हुआ कमिटमेंट तोड़ दिया और आखिर ऐसा क्या हुआ कि रिपोर्टेडली जिसे किक में सलमान दे रहे थे टैलेंट दिखाने का बड़ा मौका, उसने ऑफर रिफ्यूज करके उल्टे सलमान को ही चौंका दिया। जी हाँ, यही है इस वक्त की बिगेस्ट न्यूज कि बॉलीवुड के सबसे दबंग खान सलमान की अपकमिंग फिल्म किक उसी रीसेंट कॉन्ट्रोवर्सी में फंस रही है जिसे मिला है रॉयल्टी इशू का नाम। मैं म्यूजिक कंपनी से मार खा के आ रहा हूँ, मैं म्यूजिक कंपनी से मार खा के आ रहा हूँ। पहले ही कई फिल्ममेकर्स रॉयल्टी इशू से परेशान हैं और अब जब इस इशू में सलमान के फिल्म के फंसने की खबर आ रही है तो लगता है कि मामला काफी गंभीर हो चला है। सोर्सेज से पता चला है कि सलमान की फिल्म किक का एक काफी पेपी नंबर गाने वाले थे पंजाबी सिंगर जसबीर जस्सी, लेकिन सुनने में आया है कि जसबीर को उस कॉन्ट्रैक्ट से एतराज है जो किक के प्रोड्यूसर्स उनसे साइन करवाना चाहते हैं। अगर हम लोग ऐसे ही एक एक गाने के लिए लालच करते रहे, देखो कुछ बड़ी चीज पाने के लिए जो है कुछ चीजें तो छोड़नी पड़ती हैं, तो दुख होता है, ऐसी बात नहीं, दुख नहीं होता है कि इतनी बड़ी फिल्म कोई आपको ऑफर होती है, कोई गाना ऑफर होता है तो आप उसके लिए अड़ जाते हो एक एग्रीमेंट के लिए, क्योंकि आपको अगर वो टी सीरीज के पास जा रहा है तो वो एग्रीमेंट जो है वो आपको साइन करना ही पड़ता है। मगर ठीक है, ऐसी बात नहीं है, मतलब कैरियर तो ऊपर वाला बनाता है, कैरियर तो फिर सलमान खान या कोई और नहीं बना सकता। इस इशू पर जसबीर वैसे ही वजह बता रहे हैं जैसे रीजंस हाल ही में अभय ने गिनाए थे। फिल्म रिलीज हो रही है 31 जनवरी को और मेरा म्यूजिक अभी तक रिलीज नहीं हुआ है, क्योंकि म्यूजिक कंपनी चाहती है कि मैं अपने म्यूजिशियन से शंकर एहसान लॉय से एक क्लॉज साइन करवाऊं जो इलीगल है, तो मैं तो मार खा के आया, मेरे तो 2 हफ्ते बाकी रह गए, मेरा म्यूजिक भी नहीं अवेलेबल है। हालांकि अभय की फिल्म जब रॉयल्टी केस कंट्रोवर्सी में फंसी थी तो उन्हें म्यूजिक इंडस्ट्री से तो काफी सपोर्ट मिला, पर बाकी बॉलीवुड और फिल्म मेकर्स से उन्हें कुछ खास सपोर्ट नहीं मिल पाया था। पहले हम सिंगर्स का के राइट नहीं थे, बट एज पर द अमेंडमेंट ऑफ द लॉ इन जून 2012 सिंगर्स आर ऑल्सो एंटाइटल्ड टू रॉयल्टी। जिस समय हम गाते हैं किस मौके पे क्या कमिटमेंट करते हैं, कई बार हम मुफ्त में भी गाते हैं, कई बार हम छोटी फिल्में देख के भी गाते हैं, तो प्रोड्यूसर का ये कर्तव्य कि वो हमसे रॉयल्टी शेयर करें। हमारे नाम की रॉयल्टी है वो लिखवा लेते हैं प्रोड्यूसर से, ये अब गैर कानूनी हो गया है और अगर वो ये करेंगे तो क्राइम करेंगे। दे आर मिंटिंग मनी बिकॉज या तो दे डोंट व्हाट इज इट्स अ पीनट्स फॉर देम, बट ये पीनट्स जो है उस सिंगर के लिए सोचिए जिसके पास घर नहीं है रहने के लिए, तो वो पीनट्स कितना उनको काम आएगा। लेकिन इस बार मामला सलमान और उनकी अपकमिंग फिल्म किक से जुड़ा है, ऐसे में ये वाकई देखने वाली बात होगी कि सलमान इस मामले में अपने प्रोड्यूसर साजिद नाडियाडवाला को सपोर्ट करते हैं या फिर म्यूजिक इंडस्ट्री का साथ देते हैं। सलमान के लिए ये चैलेंज इसलिए भी बड़ा हो सकता है कि भले साजिद नाडियाडवाला हो या फिर साजिद वाजिद जैसे म्यूजिक डायरेक्टर्स, सलमान अब तक सबको सपोर्ट करते आए हैं, पर अब जब बार बार हो रहा है फिल्म मेकर्स और म्यूजिक इंडस्ट्री के बीच घमासान, तो ये देखना वाकई दिलचस्प होगा कि किस तरफ खड़े नजर आएंगे सलमान। मुझे लगता है कि सलमान खान इस मामले में हमारे साथ जरूर खड़े होंगे।
फॉर कुणाल मांडेकर, जूम मुंबई। करण जौहर के ड्रीम प्रोजेक्ट शुद्धि से ऋतिक और करीना के वॉकआउट करने के बाद अब करण ने फाइनली दो नए एक्टर्स का नाम अपनी फिल्म के लिए फाइनलाइज कर लिया है। कौन है वो एक्टर्स, लेट्स फाइंड आउट। रणवीर सिंह और दीपिका की रासलीला सिल्वर स्क्रीन पर एक बार फिर नजर आएगी। एक बार फिर रणवीर और दीपिका के प्यार के किस्से बनाएंगे हेडलाइंस, क्योंकि करण ने अपने ड्रीम प्रोजेक्ट के लिए इस अलेजेड रियल लाइफ कपल को कर लिया है साइन। जी हाँ, सोर्सेस की माने तो करण जौहर ने फाइनली रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण को अपनी फिल्म शुद्धि के लिए साइन कर लिया है। रिसेंटली जब ऋतिक ने ऑफिशियली एक बयान जारी करके इस फिल्म से अपना नाम वापस लेने की बात की थी, तब से कई स्टार्स के नाम इस फिल्म के लिए सामने आ रहे थे। यहाँ तक कि करण के क्लोज फ्रेंड शाहरुख का नाम भी इस फिल्म के लिए सामने आया था। साथ ही करीना कपूर की जगह प्रियंका चोपड़ा का नाम भी इस फिल्म की एक्ट्रेसेस के लिए कंसिडर किया जा रहा था। लेकिन साफ हो चुका है कि करण जौहर ने रामलीला की हिट जोड़ी को अपनी इस फिल्म के लिए साइन करने का फैसला किया है। करण जौहर करीना के इनकार के बाद से ही दीपिका पादुकोण को इस फिल्म में काम करने के लिए मना रहे थे, और ऐसा कहा जा रहा है कि दीपिका ने ही रणवीर सिंह का नाम करण जौहर को रेकमेंड किया। वेल, अब देखने वाली बात होगी कि क्या करण जौहर संजय लीला भंसाली की ही तरह सिल्वर स्क्रीन पर इस रियल लाइफ जोड़ी को इनकैश कर पाते हैं या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम मुंबई। सूरज बहजातिया की फिल्म बड़े भैया में सलमान खान के छोटे भाई की कास्टिंग फाइनली कंप्लीट हो चुकी है। आइए आपको भी बताते हैं कौन बनेगा इस फिल्म में सलमान का छोटा भाई। इतनी मिन्नतों के बाद फाइनली सलमान को मिल गया है एक भाई इन बॉलीवुड, और सलमान का ये छोटा भाई दिखेगा सलमान के साथ इन सूरज बहजातिया नेक्स्ट फिल्म बड़े भैया। द एक्टर फाइनलाइज्ड इज मीन नितिन मुकेश, जो दिखेंगे सलमान खान के साथ इन बड़े भैया। आपको बता दें कि इस फिल्म के लिए पहले वरुण धवन का नाम आया था, हु वाज टू बी पेयर्ड एज सलमान्स ब्रदर, एंड आफ्टर दिस रूमर इट वाज विद्युत जामाल हु वाज अप्रोच्ड फॉर द लिटिल ब्रदर्स रोल, बट विद्युत ने इस फिल्म को रिजेक्ट कर दिया था साइटिंग डेट इश्यूज। दरअसल कई चीजें ऐसी होती हैं जब सिनेमा कर रहे होते हैं तो कई ऐसी होती है जो हकीकत नहीं होती है, बट जी हाँ, मैं इस समय एक दो मूवीज पे काम कर रहा हूँ और कई मूवीज पे जिनमें मैं काम करना भी चाहता हूँ, जैसे सलमान खान का मैं बचपन से फैन रहा हूँ, उनके साथ काम करना चाहता हूँ, बट अगर डेट्स नहीं मिलती है। And now, after Vidyut opting out, it is Neel Nitin Mukesh who has been signed on board with Salman for Bade Bhaiya. वैसे इस फिल्म की लीडिंग लेडी को लेकर भी कोई ना कोई न्यूज आती रहती है। कभी इस फिल्म के लिए दीपिका को लीड में कंसिडर किया गया था, जिसे सलमान ने अपेरेंटली रिजेक्ट कर दिया था, as he didn't want a very busy actress for his film. तो कहीं पर ये न्यूज भी आई थी that Salman is convincing Suraj Barjatia a lot to cast Desi Shah in this film. और अब रिसेंट अपडेट की माने तो सोनम कपूर को रिपोर्टेडली फाइनलाइज कर दिया गया है फॉर दिस फिल्म। तो फिलहाल के लिए तो सोनम को एज अ लीडिंग लेडी और नील नितिन मुकेश को एज सलमान ब्रदर फाइनलाइज कर लिया गया है। अब इन रूमर्स में कितनी सच्चाई है वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फॉर इलेका श्रीवास्तव, जूम मुंबई। फिल्म रामलीला के डायरेक्टर संजय लीला बंसाली दीपिका पादुकोण की एक्टिंग के फैन बन गए हैं। तभी तो संजय ने अपने एक ड्रीम प्रोजेक्ट के लिए दीपिका का नाम फाइनलाइज कर लिया है। आप भी देखिए कौन सी है ये फिल्म। संजय लीला भंसाली को फाइनली मिल गई है उनकी मस्तानी, और ये मस्तानी है उनकी रामलीला की लीला दीपिका पादुकोण। जी हाँ, हम दिल दे चुके सनम के पद से संजय लीला भंसाली हैज दिस प्लान टू मेक अ फिल्म कॉल्ड बाजीराव मस्तानी, और इस फिल्म को लेकर संजय लीला भंसाली ने तो कई दिक्कतें भी झेली। द स्पेसिफिक वन वाज ऐश्वर्या एंड सलमान स्क्रिप्ट ड्यूरिंग दैट कोर्स ऑफ टाइम व्हिच लेड टू द फिल्म गेटिंग शेल्व्ड। और फिर संजय लीला भंसाली ने दोबारा कोशिश नहीं की थी टू रिवाइव दिस फिल्म, क्योंकि वो तहे दिल से बस ऐश्वर्या सलमान को ही इस फिल्म में कास्ट करना चाहते थे। इतना ही नहीं, संजय लीला भंसाली ने तो कोशिश भी की थी टू गेट दीज एक्स क्लेम्स टुगेदर अगेन, बट इट डिडंट वर्क आउट। और फिर तभी सलमान के ऑपोजिट करीना कपूर की कजन शिवानी कपूर को कास्ट करने की प्लानिंग चल रही थी, ऐसे रूमर्स भी आए थे। बट फिर अल्टीमेटली संजय लीला भंसाली प्लान नॉट टू डू दिस फिल्म एट ऑल विदाउट सलमान एंड ऐश्वर्या। And now it seems that Sanjay Leela Bhansali ne bhi man bana liya hai that it's impossible to get Aishwarya Salman together for Bajirao Mastani. Isliye ab ki baar is project ko revive to kiya ja raha hai but with some other actors. वैसे फीमेल लीड में तो पहले दीपिका को साइन कर दिया गया है, एंड स्पेकुलेशंस ये हैं कि ऋतिक रोशन माइट प्ले द रोल ऑफ बाजीराव ऑपोजिट दीपिका। न्यूज तो बीच बीच में ये भी आई थी दैट संजय लीला भंसाली हैड प्लान्स टू कास्ट करीना शाहरुख फॉर द सेम, पर ये रूमर्स आगे बढ़े नहीं। And now if sources are to be believed, it's Deepika Hrithik for Bajirao Mastani. वैसे भी होप कि ऋतिक अब इस फिल्म को रिजेक्ट ना कर दें, जैसे उन्होंने करण जौहर की शुद्धि को कर दिया था। एंड वी ऑल्सो होप दैट दीपिका गिव्स अ स्पार्कलिंग परफॉर्मेंस लाइक शी डिड इन रामलीला। फॉर इलेका श्रीवास्तव, जूम मुंबई।
रिसेंटली खबर आई थी कि फैंटम फिल्म के मेंबर्स के बीच चल रही है प्रॉब्लम, और इस प्रॉब्लम की वजह से इस प्रोडक्शन हाउस के फ्यूचर को लेकर सवाल उठ रहे थे। ऐसे में जूम ने इस न्यूज पर फैंटम फिल्म के मेंबर विकास बैल से की बात। फैंटम फिल्म के मेंबर्स के बीच नहीं चल रही है प्रॉब्लम। मेरे पार्टनर मुझे छोड़ के जा रहे हैं क्या? फैंटम फिल्म्स नहीं जूझ रही है फाइनेंशियल प्रॉब्लम से। आई थिंक इफ वी एवर फेस फाइनेंशियल ट्रबल वी विल ओनली गेट थिकर एंड बेटर। या बिकॉज आई मीन इफ यू सी द हेरिटेज फ्रॉम वेयर ऑल ऑफ अस कम, आई थिंक द लास्ट थिंग दैट कैन एवर ब्रिंग अस गेट अस इनटू ट्रबल इज गोइंग टू बी फाइनेंशियल। जी हाँ, फैंटम फिल्म्स के मेंबर विकास बहल ने साफ कह दिया है कि फैंटम फिल्म के मेंबर्स के बीच चल रही प्रॉब्लम्स की खबरें हैं सिर्फ और सिर्फ रूमर। दरअसल पिछले कुछ दिनों से बॉलीवुड गलियारों में ऐसी खबरें चल रही हैं कि फैंटम फिल्म्स कुछ समय से फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से बंद हो सकती है। साथ ही ऐसी भी खबरें आ रही थी कि इस प्रोडक्शन के मेंबर्स के बीच प्रॉब्लम्स चल रही है। ऐसे में जूम ने इस रूमर को क्लारिफाई करने के लिए फैंटम फिल्म्स के मेंबर और फिल्म क्वीन के डायरेक्टर से इस इशू पर बात की। फैंटम में बहुत सारे ऐसी इश्यूज चल रहे रूमर्स अकॉर्डिंगली कि इश्यूज है कुछ फैंटम में, फाइनेंशियल इश्यूज हो रहे थे, देयर वाज टॉक्स ऑफ द स्प्लिट हैपनिंग। तो योर कमेंट ऑन दैट? ये तो मुझे अभी पता चला है। मेरे पार्टनर मुझे छोड़ के जा रहे हैं क्या? वेल, विकास के इस बयान से साफ है कि फैंटम फिल्म्स के मेंबर्स के बीच नहीं है कोई प्रॉब्लम। पौरुद्रानी चट्टोराज, जूम, मुंबई। एक्टर वरुण धवन एक मल्टी टैलेंटेड एक्टर है, तभी तो अपने डांस और एक्टिंग का जलवा दिखाने के बाद अपनी एक अपकमिंग फिल्म में वरुण अपनी सिंगिंग से सबको इम्प्रेस करने की तैयारी कर रहे हैं। आप भी देखिए कौन सी है वरुण की ये फिल्म। लगता है एक एक्टर के साथ साथ एक अच्छे सिंगर बनने की होड़ में पूरा बॉलीवुड लगा है। तभी तो एक्ट्रेस आलिया भट्ट के हाईवे में एक सॉन्ग के बाद अब स्टूडेंट ऑफ द ईयर के दूसरे स्टूडेंट वरुण धवन ने भी अब सिंगिंग में इंटरेस्ट दिखाया है। और जूम को एक्सक्लूसिवली पता चला है कि वरुण धवन अपनी अपकमिंग फिल्म हम्प्टी शर्मा की दुल्हनिया में रैप करेंगे एक सॉन्ग। Yes, you heard it right. Now it's time for Varun to sing a song in a film. Bollywood ke singing actors ki list to kafi badi hai. But recently, Priyanka Chopra ne ek international album mein gana gaya hai. Wahi Alia Bhatt ne for film Highway and an actress, Ayushman Khurana had lent his voice for Vicky Donor. Aur ab in singer actors ki league ko Varun Dhawan ne bhi kar diya hai join. Dekhna yahi hoga ki Varun Dhawan ki voice hume impress kar paati hai ya phir nahi. Filhal, to hum intezaar karenge Varun ke is rap song ke liye. For Elika Srivastava, Zoom, Mumbai. सुजीत सरकार की फिल्म पीकू में बिग बी की डॉटर के रोल के लिए एक एक्ट्रेस का नाम फाइनलाइज कर लिया गया है, और इस एक्ट्रेस का नाम खुद बिग बी ने सुजीत को रेकमेंड किया है। आप भी देखिए कौन है वो लकी एक्ट्रेस। Deepika Padukone is on the verge of signing films and deals at a stretch, and the busy girl has got the chance to sign a film yet again opposite Amitabh Bachchan. Ji haan, Deepika Padukone banegi Big B ki beti in Shujit Sarkar's Piku. Aur ye rumor pehle bhi aayi thi. But now, Zoom gets the official confirmation of this news from our sources that Deepika has finalized signing Piku, where she'll be seen playing Amitabh's daughter. Pehle film Arakshan mein Deepika ne Big B ki beti ka kirdaar nibhaya hai, aur ab Piku mein Deepika ko ye second opportunity mili hai. Waise, is film mein actor Irfan Khan bhi नजर आएंगे। बता दें कि इस फिल्म के लिए परिणीति चोपड़ा को भी कंसिडर किया जा रहा था, बट परिणीति ने इस फिल्म को कर दिया था रिजेक्ट, गिविंग एन एक्सक्यूज ऑफ अ बिजी स्केड्यूल। मिस्टर बच्चन वाली फिल्म की जो आप बात कर रहे हैं वो मैं जेन्युइनली डेट इश्यूज की वजह से नहीं कर पा रही हूँ, मैं कुछ और शूट कर रही हूँ उस टाइम, एंड मिस्टर बच्चन की डेट्स तो ऑफ कोर्स फाइनल होती हैं। और अब दीपिका ने बीइंग द वेरी बिजीएस्ट एक्ट्रेस होने के बावजूद इस फिल्म को हासिल करने में मैनेज कर लिया है। सो ऑल दोस वेटिंग आउट देयर, हियर्स द सेकंड चांस फॉर यू टू वॉच दीपिका एज बिग बीज डॉटर। For Elika Srivastava, Zoom, Mumbai. एक्ट्रेस माही गिल को रिसेंटली हमने स्पॉट किया एक डिजाइनर स्टोर लॉन्च इवेंट पर, और यहाँ माही ने अपनी अपकमिंग फिल्म्स और पर्सनल लाइफ के बारे में मीडिया से की बात। एक्ट्रेस माही गिल ने बॉलीवुड में अपने अभिनय से एक अलग ही छाप बनाई है। द बोल्ड एक्ट्रेस हैज डन सम मीटी रोल्स इन हर करियर सो फार। माही गिल बहुत जल्द गैंग ऑफ घोस्ट में नजर आने वाली है, एंड शी इज ऑल गियर्ड अप टू प्रमोट हर फिल्म। रिसेंटली माही नजर आई एक डिजाइनर स्टोर के लॉन्च के मौके पर। माही ने यहाँ कहा दैट शी डजंट शाय अवे फ्रॉम वेयरिंग अ बिकिनी, लेकिन उस रोल की मांग होनी चाहिए। मुझे आज तक अभी ऑफर आई नहीं है, आएगी तो उसके बारे में सोचूंगी और मुझे लगेगा कि वाकई में जरूरत है तो शायद, आई एम नॉट श्योर। माही गिल से जब शादी के प्लान के बारे में पूछा गया तो उनका कहना था कि वो ये ड्रेस जरूर शादी में पहनेंगे, लेकिन ये शादी कब होगी फिलहाल कुछ नहीं पता। नहीं अभी 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 नहीं अभी नहीं, अभी तो मुझे एमी ने जो है दुल्हन बना दिया है आज थोड़े टाइम के लिए, लेकिन देखते हैं
कब असली में बनती हूँ। माही अपने एंसेंबल से कुछ ज्यादा ही इम्प्रेस हो गई एंड शी डिसाइडेड दैट शी विल वेयर द ड्रेस इन हर नेक्स्ट फिल्म प्रमोशन। जो मैं अभी अपनी आने वाली फिल्म गैंग ऑफ घोस्ट के प्रमोशनल इवेंट से पहनने वाली हूँ। मैं बहुत सारी चीजें यहाँ से उठाकर भागने वाली हूँ यहाँ से। माही तो भागने को तैयार है अपनी फिल्म के प्रमोशन के लिए, लेकिन फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा भागे तो फिल्म की कास्ट एंड माही को ज्यादा सुकून मिलेगा। और रोशनी दुबे, जूम, मुंबई। प्लान बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे सलमान खान की सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग की टीम से क्यों सुनील शेट्टी हुए बाहर, और साथ ही शाहिद कपूर ने डायरेक्टर विकास बैल की कौन सी फिल्म की साइन। बॉलीवुड से जुड़ी कोई भी न्यूज आपसे ना हो जाए मिस, इसलिए बॉलीवुड की हर छोटी से लेकर बड़ी खबर हम आपके लिए रोज लेकर आएंगे हमारे खास सेगमेंट बिट्स एंड बाइट्स में। खबरों की माने तो सलमान खान की सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग की टीम में पड़ गई है फूट। सोर्सेज की माने तो सलमान खान के टीम मेंबर्स आफताब शिद्दसानी और सुनील शेट्टी के बीच किसी इशू को लेकर हुई जमकर बहस, और यही वजह है कि सुनील शेट्टी ने मुंबई हीरोज टीम छोड़ दी है। हम आपको बता दें कि सुनील शेट्टी सलमान खान की टीम के कैप्टन है, और ऐसा कहा जा रहा है कि खेल के दौरान आफताब और सुनील के बीच बहस इतनी बढ़ गई कि अब सुनील शेट्टी ने इस टीम के साथ ना खेलने का फैसला किया है। खबरों की माने तो सिंगर राहत फतेह अली खान फिर से इंडिया आना चाहते हैं, लेकिन लास्ट ईयर एनफोर्समेंट डायरेक्टर के साथ हुए एक प्रॉब्लम की वजह से राहत का इंडिया आना पॉसिबल नहीं हो पा रहा। ऐसे में राहत फतेह अली खान की एक टीम इंडिया आकर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के ऑफिशियल से मिलकर इस मामले को सुलझाने की कोशिश कर रही है। हम आपको बता दें कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने राहत फतेह अली खान को जरूरत से ज्यादा कैश रखने के इल्जाम में डिटेन किया था। सोनाक्षी सिन्हा के भाई कुश सिन्हा ने उन तमाम लोगों को अपना निशाना बनाया है जो उनकी सिस्टर सोनाक्षी सिन्हा के वेट का मजाक बनाते हैं। एक न्यूज़पेपर को दिए इंटरव्यू में कुश ने कहा है कि सोनाक्षी के वेट को लेकर कई तरह की बातें की जाती हैं, लेकिन उन्हें इस बात की खुशी है कि उनकी बहन बाकी एक्ट्रेसेस की तरह सेट पर बेहोश नहीं हो जाती। कुश का ये बयान बॉलीवुड की साइज जीरो एक्ट्रेसेस को लेकर आया है। एक्टर ऋतिक रोशन अभी भी अपने इन-लॉज के करीब है। सोर्सेज की माने तो सुजैन से भले ही ऋतिक रोशन अलग हो चुके हैं, लेकिन अभी भी ऋतिक सुजैन की फैमिली मेंबर्स से मिलते हैं और उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं। हम आपको बता दें कि सुजैन के फैमिली मेंबर्स अभी भी चाहते हैं कि सुजैन और ऋतिक फिर से एक साथ हो जाएं। एक्टर फरदीन खान फिर से सिल्वर स्क्रीन पर वापसी करना चाहते हैं। यही वजह है कि फरदीन खान आजकल जमकर एक्सरसाइज कर रहे हैं, और फरदीन के करीबियों का कहना है कि फरदीन ने अपना 10 किलो वजन लूज कर लिया है। संजय दत्त का पैरोल केस अब जब से नेशनल मुद्दा बन गया है तब से सवालों का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने महाराष्ट्र गवर्नमेंट से रिपोर्ट मांगी है कि एक साल के अंदर 3 बार पैरोल कैसे दी गई। फरहान अख्तर हैज गिवन हिज नॉट फॉर जोया अख्तर नेक्स्ट। फिल्म का नाम रखा गया है दिल धड़कने दो। फिल्म में नजर आएंगे रणवीर सिंह, प्रियंका चोपड़ा, अनिल कपूर और अनुष्का शर्मा। फिल्म 2015 जून में रिलीज होगी एंड विल बी एक्सटेंसिवली शॉट ऑन अ क्रूज लाइनर। आमिर खान की इच्छा है कि उनके बेटे फिल्म इंडस्ट्री ज्वाइन करें। आमिर ने कहा है कि उन्हें काफी खुशी होगी अगर ऐसा होता है। हिज एल्डर सन जुनैद इज असिस्टिंग राजकुमार हिरानी, वहीं आजाद अभी 2 साल के हैं। दो आमिर फील्स बोथ ऑफ देम हैव ग्रेट साइंस ऑफ बिकमिंग अ स्पोर्ट्स पर्सनालिटी। फिल्म क्वीन के डायरेक्टर विकास बहल ने अपनी अगली फिल्म भी अनाउंस कर दी है, अ फर्स्ट फिल्म ऑफ इट्स काइंड बेस्ड ऑन डेस्टिनेशन वेडिंग। फिल्म का नाम रखा गया है शानदार एंड शाहिद कपूर विल बी प्लेइंग द लीड इन द फिल्म। शाहिद फिलहाल विशाल भरद्वाज की फिल्म हैदर की शूटिंग में व्यस्त हैं, और आर राजकुमार के बाद शाहिद को हैदर से काफी उम्मीदें हैं। अक्षय कुमार और उनके जेस्चर की वजह से एक छोटा सा चेहरा खिलखिला उठा। बता दें अक्षय ने लास्ट वीक अपनी अपकमिंग फिल्म गब्बर की शूटिंग पर अपने एक छोटे से चाहने वाले की विश पूरी की। अ 9-year-old टर्मिनली इल गर्ल वांटेड टू मीट अक्षय कुमार। फिर क्या था, अक्षय ने अपने इस छोटे फैन की विश पूरी की और गब्बर के सेट्स पर अच्छा समय बिताया। आलिया भट्ट और अनुष्का शर्मा, कौन होगी सिद्धार्थ मल्होत्रा की नेक्स्ट हीरोइन इन तरुण मनसुखानी फ्रेंच रीमेक ऑफ फ्रेंच डायरेक्टर साल्वाडोरीज 2006 फिल्म प्राइसलेस। हाईवे में आलिया की एक्टिंग से बेहद इंप्रेस तरुण सोच रहे हैं आलिया को कास्ट करने के। ऑन द अदर हैंड ही इज कीन टू वर्क विद अनुष्का एज वेल। द कंफ्यूजन इज स्टिल ऑन। फिल्म डर एट द मॉल के एक्टर जिमी शेरगिल अपनी फिल्म को मिल रहे अच्छे रिस्पॉन्स से काफी खुश है, और रिसेंटली अपनी इस फिल्म के बारे में जिमी ने हमसे की एक्सक्लूसिव बात। किसी भी भूत में दम नहीं है कि वो मुझे हाथ लाकर दिखा पाए, क्योंकि इस वक्त मेरे पास सबसे सॉलिड सिक्योरिटी गार्ड खड़े हैं, जिमी शेरगिल। जिमी, सिक्योरिटी गार्ड बन गए बाप? जी हाँ, सिक्योरिटी गार्ड का
रोल नहीं मैंने किया। आप जो है वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर माने जाते हैं इंडियन सिनेमा के, और जो अच्छे एक्टर्स होते हैं, जो अच्छे एक्टर्स इन सेंस जो नामी एक्टर्स होते हैं, वो अक्सर हॉरर जैसे सब्जेक्ट को हाथ नहीं लगाते हैं। तो आपने ये स्टीरियोटाइप ब्रेक करके क्यों सोचा कि मैं हॉरर फिल्म्स में कर सकता हूँ? मतलब नहीं, जब ऑफर आई थी मैंने सीधा ना बोल दिया, मैंने कहा यार मैं नहीं इंटरेस्टेड हूँ हॉरर फिल्म्स और ये सब करने में। अभी मैंने सर कि एक बार स्क्रिप्ट तो पढ़ लो यार, उसके बाद एटलीस्ट एक पॉइंट ऑफ व्यू ही अपना दे दो, हाउ यू लाइक इट एंड ऑल। तो मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी थी, देन आई कुडंट से नो। जिम, कमिंग बैक टू माय स्टेटमेंट दैट आई गेव दैट यू आर वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर ऑफ इंडियन सिनेमा, एंड व्हाई डज इट टेक जिमी शेरगिल टू लॉन्ग टू चूज प्रोजेक्ट्स, क्या वजह रहती है कि मतलब क्या क्राइटेरिया होता है? पहले तो प्रोड्यूसर्स भी जो इंटरव्यू देखी वो भी सुन लें कि क्या क्राइटेरिया होता है इस बंदे का जिसको हमें फिल्मों में लेना है। इज इट लाइक नॉट दैट काइंड ऑफ अप्रोचेबल? नहीं सर, आई थिंक एज एन एक्टर हमको तो जो ऑफर होता है वी चूज द बेस्ट आउट ऑफ दैट। अगर पांच चीज़ें आपके पास आ रही हैं एक साल के लिए, तो उसमें से तीन बेस्ट या चार बेस्ट, जितने के लिए आपके पास टाइम है, सारा कुछ है, उतनी चीज़ें जो हैं आप चूज़ कर सकते हो। उससे ऊपर तो आप कर नहीं सकते। नहीं कह सकता हूँ कि इतने सालों बाद अब थोड़े सीरियस रोल्स और ये सब चीज़ें करने के बाद अब ऐसा लगता है कि जहाँ से अपनी शुरुआत हुई थी मोहब्बतें और उन सबसे, कि चलो माचिस टाइप के सीरियस तो मैं जोन में काफ़ी फिल्में करता आ रहा हूँ कई सालों से, और अब ऐसा लगता है कि मतलब कभी एक हिंदी फिल्म रोमांटिक, कुछ हल्की, कुछ ड्रामा वाली और उस टाइप की, हम भी मतलब वापस से कुछ वैसी लोकेशंस में जाएं। जी, जैसे कि आपने काफ़ी सारे बेहतरीन फिल्म मेकर्स के साथ काम किया, चाहे वो गुलजार हों, चाहे वो नीरज पांडे हों, चाहे वो तिग्मांशु धुलिया हों, यशराज कैंप हो, क्या ये डायरेक्टर का प्रोजेक्ट से जुड़ना भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन डायरेक्ट कर रहा है इस फिल्म को? ये सबसे बड़ा क्राइटेरिया होता है रैदर देन कौन सी हीरोइन होगी, कितने बजट में बन रही है? सबसे बड़ा क्राइटेरिया तो स्क्रिप्ट होती है, कहानी क्या है, किस तरीके की है, फिर उसको कौन बना रहा है, और जो बना रहे हैं, जो लोग इन्वॉल्व हैं, जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, अगर वो नए भी हैं तो क्या ये कंप्लीट कर पाएंगे फिल्म को? जी, आपने जितनी फिल्में की अब तक, ऐसी कौन सी फिल्म है जिसमें आप सीक्वल का स्कोप देखते हैं और वापस वो फिल्म, उस फिल्म के सीक्वल में काम करना चाहें? कर रहा हूँ ये सीक्वल्स, अब आई थिंक अभी गर्मियों से शुरू हो जाएगी तनु मनु का जो सेकेंड पार्ट है वो शुरू होगा जी, तनु वेड्स मनु, साहिब बीवी गैंगस्टर वो भी का थर्ड पार्ट जो है, वो दो पार्ट्स तो उसके बन चुके हैं, उसके थर्ड पार्ट की पे काम चल रहा है। तो ये कुछ फिल्में हैं उस पर, बाकी मैं समझता हूँ कि स्पेशल 26 जो है वो एक ऐसी है जिसमें कि फुल स्कोप है उसका नेक्स्ट पार्ट आने का। वन एक्टर जिसके लिए आप सिक्योरिटी ब्रीच करके उससे आप मिलना चाहेंगे? सलमान भाई को मैं पहले से जानता हूँ, ही इज वन पर्सन जिनके मैं, जिनका मैं फैन मतलब माचिस से भी पहले से हमेशा से रहा हूँ। वो बात अलग है कि मतलब ऑब्वियसली मैं जानता हूँ तो हमें बैठ के बात कर सकते हैं जब भी मिलते हैं, बट यस ही इज वन मैन ऑलवेज बीन। वन एक्ट्रेस जिसके लिए आप सिक्योरिटी प्रोवाइड करना चाहेंगे? बट आई हैव ऑलवेज बीन तबूज मैन, आई हैव ऑलवेज सिंस माचिस डेज, मेरी पहली फिल्म थी माचिस, तब से ही आई हैव बीन अ वेरी बिग फैन ऑफ तबूज। हमेशा कहता भी हूँ और अपने इंटरव्यू में कि आई होप आई गेट अ चांस टू वर्क विद हर अगेन। या वन एक्टर दैट होम यू वुड लाइक टू टेक शॉपिंग इन अ मॉल विद? An actor, it can be female actor or can be a male actor also. Depends on shopping in a mall. I would say two of the people who I've really, really had a great time working with. उनके साथ फिल्में भी की हैं, दो तीन तीन फिल्में की हैं, एक सैफ और एक उदय जी, वो दोनों को इकट्ठा लेके जाना चाहूँगा मॉल में और देखना चाहूँगा क्या करते हैं ये। Thanks a lot, Jimmy. It was a pleasure speaking to you. Time to show you a special report. फिल्म प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर अनुभव सिन्हा इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म गुलाब गैंग को लेकर काफी एक्साइटेड हैं। गुलाब गैंग इज अ वुमेन ओरिएंटेड फिल्म व्हिच टॉक्स अबाउट फीमेल पावर। अनुभव सिन्हा ने टैबलॉइड को दिए एक इंटरव्यू में तो ये कह दिया था कि ये फिल्म पहली ऐसी फिल्म है जिसमें सारे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स फीमेल हैं। फिल्म में पहली बार साथ दिखाई दे रही हैं माधुरी दीक्षित और जूही चावला, और इस बात ने अपने आप में एक बस क्रिएट कर दिया है। हाल ही में अनुभव सिन्हा ने माधुरी दीक्षित को माधुरी के बड़े चाहने वाली से मिलवाया। लिली सिंह नाम की ये माधुरी फैन, जो खुद डिजिटल मीडिया में एक अच्छा नाम है, रिक्वेस्टेड द प्रोड्यूसर ऑफ द फिल्म टू मेक हर मीट हर फेवरेट स्टार। बता दें कि कनाडा बेस्ड कॉमेडियन लिली सिंह, जिन्हें सुपर वुमन कहा जाता है, इज अनुभव्स गुड फ्रेंड एंड दीस डेज शी इज इन इंडिया। फिर क्या था, अनुभव ने लिली की विश पूरी कर दी। गुलाब गैंग एक पॉलिटिकल सोशल थ्रिलर भी है जिसमें पॉलिटिक्स के कई एंगल देखने को मिलेंगे। जूही और माधुरी की केमिस्ट्री प्रोमोज में देखकर काफी अच्छी लग रही है। अब 7 मार्च को मालूम चल जाएगा कि ये केमिस्ट्री पास है या फिर फ्लॉप। एंड वी विश द एंटायर टीम वेरी गुड लक। फॉर चेतना सिंह, जूम मुंबई।
मुकेश भट्ट अपनी अपकमिंग प्रोड्यूस्ड फिल्म मिस्टर एक्स को लेकर काफी एक्साइटेड है और मुकेश भट्ट को पूरा भरोसा है कि ये फिल्म एक ब्लॉकबस्टर साबित होगी। After a long span, the Bhatts are back doing a film with Imran Hashmi titled as Mr. X, जिसकी पहली झलक Zoom ने आपको दिखाई भी थी। और अब इस फिल्म पर और डिटेलिंग करते हुए हमने मुकेश भट्ट से बात की। And look at what he has to say. Mr. X हमारे लिए बहुत important फिल्म है। उसकी वजह दो है। एक तो मेरे फादर ने नानाभाई भट्ट, उन्होंने 1958 में फिल्म बनाई थी Mr. X, जो बहुत बड़ी हिट हुई थी उस वक्त भी। जी पी सी पी साहब की फर्स्ट फिल्म एज ए प्रोड्यूसर थी वो। और आज जब हम बनाने जा रहे हैं और ये 3D फिल्म है और राज 3 के बाद, राज 3 आपको पता है कि बहुत सक्सेसफुल फिल्म रही और मुझे बहुत उम्मीद है कि इस फिल्म को हम डेफिनेटली राज 3 का रिकॉर्ड तोड़ेंगे। और ये वो जो आप आजकल जो एक नया एक कल्चर क्लब बन गया है 100 करोड़ क्लब, I will achieve that in this film, definitely. जी हाँ, मुकेश ने तो हमें दो वजह बता दी on coming up with Mr. X and having an old connection with this film. वहीं मुकेश भट्ट also guarantees to us that this film will cross 100 crore rupees. वैसे इतना confidence तो तभी होता है जब plot और actor सही construct किए जाते हैं. So Mukesh ji, tell us about Imran Hashmi as well, who has got associated with the Bhatts after a long time. Imran Hashmi और विशेष फिल्म का एक combination, एक lethal combination है. जैसे मनमोहन देसाई और अमिताभ बच्चन का कॉम्बिनेशन था, जैसे राजेश खन्ना और शक्ति सामंत का कॉम्बिनेशन था, जैसे धर्मेंद्र और प्रभो चक्रवर्ती का कॉम्बिनेशन था, वैसे इमरान हाशमी और विशेष फिल्म का कॉम्बिनेशन है। अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखिए इमरान हाशमी की, तो बिगेस्ट हिट्स उसने जो दी है विशेष फिल्म के साथ दी है। और गॉड विलिंग हम वापस प्रूव कर देंगे कि वी आर द बेस्ट। Well, with this lethal combination of Bhatts with Hashmi, we hope that Mr. X does set a good benchmark in Bollywood. Until then, we will wait to watch the final layout. For Rudrani Chaturaj, Zoom, Mumbai. Planet Bollywood News में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे बॉलीवुड फैंस का फिल्मी ज्ञान, चेक करेंगे हमारे खास सेगमेंट चैटर द टी में। बॉलीवुड स्टार्स के फैंस अपने फेवरेट स्टार्स को कितनी अच्छी तरह से जानते हैं? क्या अपने फेवरेट स्टार की लाइफ से जुड़ी हर न्यूज की खबर होती है फैंस के पास? वेल, इन्हीं सवालों का जवाब जानने की कोशिश करते हैं हमारे खास सेगमेंट चैटर द टी में। आज शाहिद कपूर का बर्थडे है और जूम विशेष शाहिद अ वेरी हैप्पी बर्थडे। और आज चैटर द टी में हम लोगों से पूछने वाले हैं कि इस खास मौके पे वो शाहिद को क्या मैसेज देना चाहेंगे और अगर शाहिद की शादी किसी एक्ट्रेस के साथ हो जाए तो वो एक्ट्रेस कौन होगी। आइए देखते हैं लोगों के आंसर्स क्या है। हाय करिश्मा, डू यू लाइक शाहिद कपूर? ऑफ कोर्स या आई डू। एंड टुडे इज शाहिद्स बर्थडे। ओह माय गॉड, डू यू वांट टू विश समथिंग टू शाहिद? आई जस्ट वांट टू विश हिम हैप्पी बर्थडे एंड हैव फन एंड बी विद योर फैमिली। नाउ यू नो शाहिद इज एट अ स्टेज, ही इज इन हिज 30s नाउ एंड यू नो हु डू यू थिंक इज वन एक्ट्रेस जो आपको लगता है जिसके साथ शाहिद शादी कर सकते हैं या शादी करनी चाहिए उन्हें? शाहिद वुड लुक गुड विद इलियाना डिक्रूज। Yeah, why? Yeah. Actually, I had seen Phata poster Nikla Hero and I liked their chemistry, so yeah. So, aapko lagta hai shayad ko Iliana se shaadi karni chahiye? Yeah, not like that, not shaadi, but yeah, you know, kind of. Main available hoon aur koi bhi achhi ladki agar chahe ki... Aur agar Shahid ko kisi se saath gandi baat karni chahiye to woh actress kaun ho? Sunakshi Sinha. Jo bolna hai bol lo. Agar Shahid ko ek shaadi kare kisi ke saath, woh actress kaun hona chahiye? Well, I guess प्रियंका चोपड़ा। ये मैं खुद ही आपको बता दूं कि वो मुझे पसंद करती हैं। कहीं आप इसलिए तो नहीं कह रहे क्योंकि शाहिद कपूर और प्रियंका सच में डेट भी कर रहे थे? Well, no, not really like that, but they look good together. So you think प्रियंका और शाहिद को शादी कर लेनी चाहिए? Yeah. I understand. शाहिद पसंद है आपको? Yeah, I like his movies. क्या पसंद है शाहिद? He's good. He's got a very good acting skill. He's very natural. This is a happy occasion यार, audience का response देखने में जो मज़ा आता है। अगर शाहिद को शादी करनी चाहिए तो वो कौन सी एक्ट्रेस होगी जो उसके जिसके साथ शादी होनी चाहिए उसकी? I used to like him with Kareena Kapoor. They were a good pair. But now there is no actresses which will match him. Like no.
एक एक्ट्रेस जिसका नाम लेना चाहेंगे अगर शाहिद को एक मौका मिलता है गंदी बात करने का किसी के साथ तो वो कौन होना चाहिए? गंदी बात शाहिद को किस एक्ट्रेस के साथ गंदी बात करनी? सोनाक्षी सिन्हा। तो हमारी पेयरिंग जो है वो साड़ी के फॉल की तरह मैचिंग है। शाहिद का बर्थडे आज, आई नो। और क्या कहना चाहेंगे? मैं यहाँ पे इन्फिनिटी मॉल में उसके लिए गिफ्ट खरीदने आई हूँ। रियली? यस। एक बात बोलो, शाहिद को क्या कहना चाहोगे आप? आई लव यू शाहिद। हैप्पी बर्थडे टू यू, गॉड ब्लेस यू एंड आई लव यू। अगर शाहिद को किसी एक्ट्रेस के साथ शादी करनी चाहिए तो एक्ट्रेस कौन होगी? अमृता राव। क्यों? जोड़ी, उन दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लगती है। दे लुक क्यूट टुगेदर लाइक मी एंड शाहिद। व्हाट वुड यू लाइक टू आस्क अबाउट रक्षा बंधन? और अगर शाहिद को किसी एक्ट्रेस के साथ गंदी बात करनी चाहिए तो वो एक्ट्रेस कौन है? करीना कपूर। कुछ भी। टुडे शाहिद कपूर इज बर्थडे, एनीथिंग यू वांट टू टेल शाहिद? वी मिस यू शाहिद। Yeah? Yes, and a very, very happy birthday to you. अगर शाहिद को किसी एक्ट्रेस के साथ शादी करनी चाहिए तो वो एक्ट्रेस कौन होगी? I think Priyanka. Priyanka Chopra. Yeah, could be. Priyanka को बदतमीज, badly behaved, flirtatious, शायराना अंदाज में one liners फेंकने टाइप के लड़के पसंद हैं। And why do you like the kids? Because I think they both are pepped up couples, you know. They both are lively and they look good. So I think it's a good chemistry wherein they can go in. प्लैनेट बॉयज न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे आज के पूरे एपिसोड का रीकैप एक खास सेगमेंट पीबी न्यूज एक्सप्रेस में। बॉलीवुड न्यूज के जूमर्स जो अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं उन्होंने आज का धमाकेदार एपिसोड मिस कर दिया है, लेकिन डोंट वरी क्योंकि हम आपके लिए लेकर आए हैं आज के धमाकेदार एपिसोड का एक स्पेशल रीकैप सेगमेंट। टेक अ लुक। नरगिस फाखरी ने हाल ही में एक खुलासा किया। She said that रणबीर कपूर is the biggest gossip queen of the industry, and the rockstar girl even said that रणबीर तो मामा's boy है। Hollywood actress Frida Pinto ने हाल ही में करण के चैट शो में कहा that she would marry रणबीर, as she is already hooked up with Dev Patel. दीपिका पादुकोण इज गोइंग थ्रू अ पर्पल पैच इन हर करियर। दीपिका ने रिसेंटली रिप्लेस किया परिणीति चोपड़ा को पीकू में। परिणीति हैड वॉक्ड आउट बिकॉज़ ऑफ डेट प्रॉब्लम्स एंड नाउ दीपिका हैज ऑफिशियली साइंड द फिल्म एंड विल प्ले अमिताभ बच्चन'स डॉटर्स रोल। इरफान खान भी फिल्म में नजर आएंगे और फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं सुजीत सरकार। After getting popular for his online jokes, Neel Nitin Mukesh has now signed Suraj Barjatya's film. Neel Salman ke chote bhai ki bhumika mein nazar aayenge. Sonam Kapoor has been signed opposite Salman. Sonam Kapoor aur Salman Khan dobara nazar aayenge bade parde par after Savariya. अनुभव सिन्हा ने पूरी की एक फैन की विश। लिली सिंह जो खुद डिजिटल मीडिया की स्टार है एक बड़ी फैन है माधुरी दीक्षित की। कनाडा बेस्ड कॉमेडियन लिली आजकल मुंबई आई हुई है एंड अनुभव की अच्छी फ्रेंड भी है। अपनी फिल्म के प्रमोशन पर अनुभव ने लिली को मिलवाया उनकी फेवरेट एक्ट्रेस से और पूरी की उनकी विश। अपने बिजी स्केड्यूल से वक्त निकालकर एक्टर शाहिद कपूर इज प्लानिंग टू सेलिब्रेट हिज बर्थडे इन गोवा, और इस बार उनकी गेस्ट लिस्ट में सबसे बड़ा एडिशन है हिज वेरी गुड फ्रेंड सोनाक्षी सिन्हा। शाहिद इज प्लानिंग टू गो टू गोवा विद सोनाक्षी। शाहिद फेमस है गोवा में बिग पार्टीज और लॉन्ग स्टे करने के लिए। एक्ट्रेस माही गिल ने जूम को एक्सक्लूसिवली बताया कि अपनी अगली फिल्म गैंग ऑफ घोस्ट्स में वो लोगों को हंसाएंगी। एंड शी ऑल्सो सेड कि वो अपने 50s के लुक में अपने फिल्म प्रमोशंस में हर इवेंट पर डिफरेंट डिजाइनर आउटफिट्स में नजर आएंगे। जब हम फिल्म प्रमोट करते हैं तो लाखों करोड़ों लोग हमें देखते हैं प्रमोशंस के टाइम, तो आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि उस टाइम भी हम लोग अगर अच्छे कपड़े पहने और हमें अच्छे डिजाइनर मिले जो हमारे को तैयार करे, तो आई थिंक उससे बहुत फर्क पड़ता है। रॉयल्टी के इशू से एक और बड़े सितारे को गुजरना पड़ेगा। सलमान खान इज द लेटेस्ट एक्टर टू सफर फ्रॉम रॉयल्टी बैटल बिटवीन म्यूजिक कंपनीज एंड सिंगर्स। द लीड सिंगर फॉर सलमान's किक जसबीर जस्सी हैज बैक्ड आउट ऑफ सलमान's फिल्म। जस्सी को फिल्म में एक पेपी नंबर गाना था, लेकिन रॉयल्टी की वजह से जस्सी ने बैक आउट कर लिया। संजय लीला भंसाली की एक पुरानी आदत है कि वो इतनी जल्दी साथ नहीं छोड़ते, एंड दैट्स व्हाई द काउंट डायरेक्टर हैज वंस अगेन टीम्ड अप विद हिज ऑन स्क्रीन लीला दीपिका पादुकोण। अपनी अगली फिल्म बाजीराव मस्तानी के लिए संजय लीला ने दीपिका पादुकोण को साइन कर लिया है।
Salman Khan, who will be doing a song for Akshay's Fagli, has actually not charged even a single penny from Akshay. Akshay just gave him a call and Salman agreed to be a part of his film. Itna hi nahi, Salman Akshay ki film ko promote bhi karte nazar aayenge. Earlier also, Salman did a song for Akshay's Tees Maar Khan and Preeti Zinta and Ajay Devgan's film. Hollywood actress Paris Hilton may soon make a visit to Mumbai again. A big thanks to Gauri Khan. Gauri, who met Paris during her last visit, got quite pally with her. And now when she has opened her store design, Gauri koshish kar rahi hai Paris ko invite karne ki. Gauri ke kaafi kareebi Karan Johar unko is kaam mein help kar rahe hain. Well, with this, it's a wrap. Planet Bollywood with news mein kal hum fir lautenge lekar Bollywood ki aur bhi latest news and gossip. Till then, keep watching Zoom, India's number one Bollywood channel. We'll be right back.